ताकि जब वो सीन आए और ये हो ना, तो इट शुड कम एज अ सरप्राइज फॉर मी. आई लाइक टू पुट माई आइडियाज, बट इन द पास्ट आई हैड एक्सपीरियंसेस वेयर सर्टेन डायरेक्टर्स डोंट वॉन्ट एनी आइडिया. इसने एक गलती की है अपने पास्ट में एंड ही फील्स की ही मैंने की है कुछ गलतियां. Hi everybody, this is Ushka with you. Welcome to ENT Live and we have with us Anshul Pandey. Hello to everybody. कैसा experience होता है जब ऐसी thrilling movies और web series करने का मौका मिलता है? इसकी जो story है, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी किया नहीं है. तो Hello Mini also was in a thriller. Second, you said you've seen the trailer and you've seen the thrill of it and everything. तो एक अच्छी बात ये हुई है ना, ट्रेलर देखने के बाद एटलीस्ट मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है, बहुत लोगों के जिन्होंने अब तो खैर देख लिया है उन सब ने शो, जब से ट्रेलर देखा था तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये थे यार कि हॉरर है क्या, बिकॉज इट ऑल्सो हैज दैट एलिमेंट. सो ग्रेट ग्रेट वर्क बाय द मेकर्स की ट्रेलर बहुत ही अच्छा बनाया है. वेयर इट्स सेइंग अ लॉट बट ऑल्सो इट हैज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन पीपल्स माइंड्स, यार ये है या ये है. तो काफी एंगेजिंग ट्रेलर था. कॉस मैंने आपका करेक्टर उसमें देखा है, मुझे भी यही लगा था कि कुछ भूत प्रेत और ये सब होने वाला है, बट यू रिवील्ड इट ऑलरेडी. तो लेकिन मैं आपके करेक्टर के बारे में और जानना चाहूंगी, आप वंश का करेक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं. इसने एक गलती की है अपने पास्ट में एंड ही फील्स की ही कवर्ड इट अप वेल, लेकिन ऐसा होता नहीं है. सालों के बाद वो जो गलती की थी उसकी सजा भुगतनी पड़ती है और उसी के अराउंड ये पूरी हमारी सीरीज है. एंड आई थिंक एक व्हेन यू डूइंग एन ओटीटी तो थोड़ा द बिगेस्ट वुड बी द वर्कलोड, यार वर्कलोड कम होता है. ओके वो राउंड द क्लॉक जो है ना, तो थोड़ा कभी कभी मोनोटनस भी हो जाता है टीवी, जब आप 3 साल 4 साल एक ही शो कर रहे हो. एंड ओटीटी बड़े से बड़ा शो भी हो तो 50-60 डेज का स्केड्यूल हुआ, खत्म, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट. What I was trying to tell them is that जैसे फ्लैश में भी ये एस्पेक्ट है कि मैंने की हैं कुछ गलतियां, अब जो गलतियां की हैं उसके एस्पेक्ट में जिसके टूवर्ड्स ये गलतियां की थी उनका एक प्रेपरेशन चल रहा है टू गेट बैक एट मी. तो मैं क्या करता हूँ कि जो बिट्स मेरे को पता होने की जरूरत नहीं है वंश के कैरेक्टर को, जैसे जिस सीन में मैं हूं, जो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा जो बोल रहा है वो जरूरी है मेरे को जानना. लेकिन अगर कोई मेरे अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहा है, मेरे अगेंस्ट रिवेंज लेना चाहता है, तो उसके सीन्स में वो क्या कर रहा है, किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहा है, मैं बहुत टाइम वो नहीं पढ़ना चाहता, ताकि जब वो सीन आए और ये हो ना, तो इट शुड कम एज अ सरप्राइज फॉर मी. तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं जानूं. ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे के, अगर जो मेरे साथ सीन में है ऑब्वियसली आई वुड know what they are going to say, what the scene is all about, but in the broader picture, जब हम एक पूरे project की बात करें, तो जहां पे मेरे को जरूरत नहीं है कुछ चीजें जानने की, तो मैं फिर वो bit avoid कर देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ. Actor होता है जो आपको script दी गई हो और वो ही perform कर रहा है without involving much कि इसमें ये change, इसमें ये change. Are you that type of actor or you put your ideas? I like to put my ideas, but in the past I've had experiences where certain directors don't want any idea. They exactly know what they want, unko wahi chahiye. And then there are directors like Shaurya, who's very flexible. Agar aapke dimaag mein kuch hai ki yaar ye second take thoda aisa karte hain, he's very open to it. Aur end mein dekho, as a director, when he sits on the edit, because he's edited it as well, तो उनके ऊपर है ना जो टेक रखना है, वहां तो जो उनको बेस्ट लगेगा वो रखेंगे. बट आई फील वेरी कंफर्टेबल विद डायरेक्टर्स लाइक शौर्य हु लेट यू डू सर्टेन थिंग्स इन अ डिफरेंट वे एज वेल. क्योंकि मेरा ये बिलीव है कभी कभी जब आप कुछ अलग तरीके से ट्राई करते हो तो वो यार अच्छा लग जाता है. तो अगर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो अब हम कहां देखने वाले हैं अंशुल को? अदर प्रोजेक्ट्स तो टेलीविजन में फिलहाल कर नहीं रहा हूँ. इट्स बीन अ कॉन्शियस डिसीजन सिंस अ व्हाइल दैट आई हैव नॉट टेकन अप एनी. प्रोजेक्ट होगा तो ओटीटी पे ही होगा. फिलहाल मैं ट्रैवल काफी कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज ऑलवेज व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आल्सो ना, तो मेरा पहला मन ये होता था कोई ट्रैवल शो मिल जाए, वेर यू रैंकरिंग अ ट्रैवल शो एंड स्टफ लाइक दैट. एंड बिकॉज इतने सालों से कंटिन्यूस आई वॉज डूइंग टेलीविजन, गुड 6-7 ईयर्स आई डिडंट गेट टाइम
टू ट्रैवल, नथिंग. सो पोस्ट कोविड अ लॉट ऑफ माई टाइम इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन ट्रैवलिंग. फैंस को बोलना चाहूंगा कि प्लीज जल्दी से वॉचो ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए. पहला एपिसोड तो फ्री है, तो पहला फ्री एपिसोड देखिए. एंड आई एम 100% श्योर कि जब आप वो देखेंगे तो आपको मन होगा कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरी सीरीज खत्म करने का. एंड इट्स डिफरेंट. थ्रिलर तो है ही, स्टोरी लाइन भी ना काफी डिफरेंट है. एक मेडिकल कंडीशन का एस्पेक्ट है, तो काफी अच्छे से लिखा हुआ है. ओके, थैंक यू सो मच अंशुल फॉर योर टाइम विद ENT लाइव. बहुत मजा आया आपसे बात करके.